क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बस थोड़ा मतलब लाइफ में कभी कभी वो क्या ना कि अंदर की जो चीजें होती है ना, कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा अपनेपन, मतलब अपनापन लगता है ना, तो वहाँ पे वो चीजें निकल जाती है। अच्छा, तो हमारे आप पे थोड़ा अपनापन लगा। हर जगह ये चीजें नहीं। सो हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज वैसे मैंने स्टार्ट किया लेट ब्लॉग, मतलब अभी खुद देख सकते हो यहाँ पे अभी बज चुके हैं, रात के 8:30 हो चुके हैं। अंदर अभी मम्मी नहीं, क्या बोल ओके मैम का डाटू, मतलब मैम मतलब किरण का डाटू स्टार्ट कर रहा। वैसे इनका नाम किरण है और ये मेरे दोस्त, खास दोस्त है, स्टाइलिश है, जो रंजीत रजाक है उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये आई है कहाँ से? रांची से। रांची से आई हूँ, झारखंड। तो मेरे से बांध का रीजन क्या, मतलब मेरे से ही टैटू क्यों? मैंने काफी पहले आपका वीडियो देखा था और मुझे अच्छा लगा था, तो मुझे था कि मुझे यहाँ पे आना है, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए। okay. काफी दूर है। हाँ. पर इस बार था कि भी मुझे आना ही है, तो फिर आ गए। ओके, तो कितना दूर है यहाँ से रांची और मेरा स्टूडियो? मुंबई रांची 2000 आराम से ना, बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन? ट्रेन से है। कितना दिन लगे? Okay. पर उसके अलावा इस बार 12 घंटे लेट थी ट्रेन। okay. तो इतना लेट होती है ट्रेन? 26, 27 + 12 36 घंटे ऐसे हो गए ना। दो दिन प्रॉपर, बीच में ब्रेक बड़ा वाला। सो मुंबई फर्स्ट टाइम आया कि इसके पहले भी आया? सो मैम का जो टैटू है, जो बहुत यूनिक टैटू, वैसे मैम को चाहिए यहाँ पे, ये जो अभी यहाँ पे मैं टैटू स्टार्ट ही कर रहा हूँ, वैसे ये आधा इनकम्प्लीट है, मतलब बाकी है थोड़ा पर। सो ये वाला एकदम प्रॉपर फिनिशिंग देना है, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ बाकी उतना ही बाकी है फिनिशिंग देना। वैसे ये टैटू मैंने किया, तो करते करते आपको पता ही चलेगा। और एक मैम का टैटू है जो बैक पे टैटू है, तो वहाँ की स्टेंसिल हो चुकी है, वो तो मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। मैम को दो टैटूज करने हैं, तो यहाँ पे जो लिखा है मैम ने यहाँ पे, जो स्टे स्ट्रॉन्ग, तो इसका रीजन क्या, मतलब आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो क्या? मैं स्ट्रॉन्ग हूं। हाँ, मतलब ये तो है कि मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, और ये चीज है कि मतलब फिजिकली, हाँ, एक मतलब फिजिकली स्ट्रांग, एक पॉजिटिव एनर्जी। ओके, एनर्जी हमेशा वाइब आने चाहिए, मतलब निगेटिव दूर रहने चाहिए हमेशा। इसको देख के आप हमेशा स्ट्रांग रहोगे, ऐसा कुछ रीजन है क्या? हाँ, स्ट्रांग रहना भी है, और इसको देख के थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है क्या फैमिली में? नहीं ना, नहीं कोई नहीं ना दिख रहे चेहरे से पता चल रहा है, डायरेक्ट स्टॉप हो जाती है, तो पता ही चलता है कि मतलब थोड़ा वीकनेस रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। हम लोगों ने ब्लॉग सोचा नहीं था कि ब्लॉग बनाओ, बट अभी फाइनली मैम को परमिशन लेके मैं अभी ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ये पूरा वीडियो जो है वो सिर्फ मैम के ऊपर रहेगा। क्या करिए? अभी सिर्फ चैट करिए। किस से? दी को, कल्याणी दी। ये अपना कैमरा मैन, ये पूरा नंगा है। क्यों नंगा? नहीं पूरा नहीं, ये हाफ नंगा है, क्योंकि इसका जो कपड़ा है वो मैम ने पहना है, देखो तो मैम ने इसका शर्ट पहना, क्योंकि यार मैम का जो कपड़ा लेके आई थी मैम, वो पंजाबी कुर्ता या कुछ होता है, शरारा था, तो शरारा हिंदी में क्या बोलते हैं? शरारा। ओके, सूट था तो कंफर्टेबल नहीं था मैम का बैक पे टैटू करना यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही था, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना यार अपन कैमरा मैन का ही निकाल दे शर्ट, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा प्राइवेट टैटू रहता है, तो मैं कभी कभी, अपने पास ऑलरेडी कपड़े रहे थे पर आज कपड़े नहीं थे, क्योंकि इस बार साफ सफाई कर रहे थे, तो उसकी वजह से सारे कपड़े लॉन्ड्री। देखो ये यहाँ पे अभी सो गई है, दिख नहीं रहा था ना। ये देखो ये जोकर पीछे, और ये दूसरा जोकर, क्या करे जिंदगी में जोकर लोग भरे। जिंदगी में जोकर नहीं रहेंगे तो जिंदगी में मजा भी तो नहीं है। ये ना सही बात, इसको बोलते सही आंसर, जोकर को कभी कम नहीं समझने का। ओके मेरे जोकर, अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो तो लाइफ का मजा भी तो नहीं है। मैम तो फिलोसफी देते रहते है, शायर बनोगे एक दिन। शायर पता है कौन होता है? जिनके दिल टूटे रहते हैं। रुक गई बात, लाइफ का भी तो वही मतलब होता है ना, कि दिल अगर टूटा है तो फिर से जुड़ जाए। मैम कमर पे टैटू बनाने का रीजन क्या है? ये तो बस ऐसी है, ये हम अपने आप के लिए बनाए, कि मतलब मुझे टैटू का काफी ज्यादा शौक है। आप अपने आप को कैसे देखेंगे टैटू के? नहीं मतलब मुझे टैटू का शौक है, मतलब कैसे देखोगे आप? अपने लिए बनाए ना, बताओ ना कैसे।
आईने में देखेंगे आईने में इतना मूड हो के कैसे वो बताओ आप। सो जस्ट आउटलाइन कंप्लीट हो चुके हैं मैम को, वैसे मैंने 10 मिनट का ब्रेक दे दिया कि मैम को थोड़ा दर्द हो रहा था। दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ थोड़ा, पर ना ज्यादा नहीं ना, थोड़ा ज्यादा यहाँ पे दर्द ज्यादा हुआ कि यहाँ पे दिल पे? ओके बैक पे ना, क्योंकि बैक पे वैसे बोल है ना, वहाँ पे मसल्स है ना। वैसे मेरा वक्त कहाँ पे देखा था एग्जैक्ट उस टाइम पे, जब कितने साल पहले देखा था ये भी बताओ? 7-8 साल हो गए। टिकटॉक से पहले? नहीं 7-8 नहीं, फिर भी 5-6 साल हो गए। हाँ, क्योंकि तो फर्स्ट कब देखा था? टिकटॉक पे देखा, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कई कौन से सोशल मीडिया पे? मेरा एक फ्रेंड है तो उस टाइम वो मुझे मतलब, क्योंकि उसको मतलब मेरे को टैटू का शौक है, उसे भी पता था। ओके, तो उस टाइम वो मतलब क्या बोलना के जाते हो मतलब वो मतलब आपके मतलब आपका वीडियो मतलब क्या अटक रेडियो अटक रहेगा तुम्हारा तो उसने मतलब फॉरवर्ड किया था तो मुझे अच्छा लगा। और क्या क्या फॉरवर्ड किया? ओके मेरे टैटूज की वीडियो उसने फॉरवर्ड किए आपको? क्यों? बस क्योंकि मुझे टैटू का शौक था। ओके तो इसकी वजह से आपको वो भेजता था? हाँ, क्योंकि मतलब उस टाइम वो शायद सीखने वाला था आपके पास या फिर। ओके हाँ ठीक है चलेगा। हाँ फिर उसके बाद फिर प्लान कैसे हुआ? फिर मतलब हमारी बात आप तुम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ऐसा पूरा स्टोरी बना के बता रहे हो? ऐसा कुछ नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। आप पूछ सकते हो। किसको पूछूं? क्या बोलना के जाते हो? किसको पूछूं? अभी क्या पब्लिक को पूछूं? बताओ ना कहाँ पे एग्जैक्ट देखा था, मतलब कितने साल पहले देखा? चलो मैं शॉर्ट कर बोलता, आप कितने साल पहले देखा था मेरा वो? हो गया 5-6 साल तो हो गया। 5-6 साल हो गया। पहले कहाँ पे देखा? ओके दोस्त ने बताया आपको, राइट? हाँ। दोस्त ने आपको दिखाया, उसके बाद फिर टैटू का प्लान कैसे हुआ? मतलब कब से आने का प्लान था या अभी? सिर्फ मुझे ना जैसे 10th+2 मैंने पास किया था तो मुझे ये शौक था कि मुझे टैटू करवानी है। हाँ, कहाँ से? ऐसा कुछ सोचा नहीं था? नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचा था उस टाइम। तो उस टाइम आपकी वीडियो मैंने देखी थी और फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि हम मुंबई से ही करवाएंगे। मतलब आपको पता चला कि मैं मुंबई से? हाँ। तो पर मतलब ऐसा कभी आने का प्रोग्राम हुआ नहीं मेरा, तो हम फिर आए नहीं। और उसके बाद मतलब ये मतलब एक्साइटमेंट मेरे को ज्यादा बढ़ गई कि मेरे को टैटू करवानी ही करवानी है। तो मैंने पिछले साल मैं दिल्ली गई थी, तो दिल्ली में मैंने मतलब 2 टैटू मैंने करवाया वहाँ पे। ओके, कई और से बने? हाँ, मेरे से नहीं बने? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं तो उस टाइम मैं आ नहीं पाई थी ना, और मैं इस बार फर्स्ट टाइम मुंबई आई हूं। ओके, दिल्ली से बनाया? दिल्ली का एक्सपीरियंस कैसा था? वो थोड़ा सा वो फैमिलियर और फ्रेंडली जो कहते हैं ना, हाँ, वो यहाँ पे मतलब मेरे को अपनापन जैसा लगा। okay, मुझे बहुत हाँ, अच्छा लगा कि यहाँ okay, पे हम आए और मतलब यहाँ से कमर्शियल नहीं लगा, मतलब ऐसा प्रोफेशनल नहीं लगा, तो फैमिली भी फैमिली जैसे लगे। वाह 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 वाह। ये नहीं होता, आर्टिस्ट तो हर जगह होते हैं, पर जो फैमिली जैसा हो, जो सबको एक फ्रेंडली मतलब वाइब्स दे, तो वो। अरे एयर ड्रॉप कौन कर रहा है? फिर आगे तो वो इधर एक टैटू आर्टिस्ट के साथ साथ एक अच्छे फ्रेंड। अरे वाह 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 वाह। मैम को वैसे हम लोगों ने खाना खिलाया, इसकी तारीफ करिए क्या? ऐसा तो नहीं, खाना वैसे बहुत टेस्टी था। पनीर बोल के चिकन खिलाया। सबसे फेवरेट एक्टर कौन है आपका? मेरा सलमान खान है। सबसे फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस तो अब मेरे को कोई उतनी पसंद ही नहीं आती। कौन पहले पसंद? पहले रानी मुखर्जी थी, उसके बाद कैटरीना कैफ, उसके बाद अब कोई पसंद नहीं आती। चलो कोई नहीं, आपकी स्नेहल मैम की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। भगवान से दुआ मतलब जल्दी हो जाए, खुश रहे। अरे यार हम ऐसे ही खुश हो जाएंगे। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बस थोड़ा मतलब लाइफ में कभी कभी वो क्या ना कि अंदर की जो चीजें होती है ना, कभी मतलब बहुत ज्यादा अपनेपन मतलब अपनापन लगता है ना, तो वहाँ पे वो चीजें निकल जाती है। अच्छा, तो हमारे आप पे थोड़ा अपनापन लगा। हर जगह ये चीजें नहीं,
अरे नहीं होते यार, बस ना मत रो, अच्छे लगा नहीं रही बच्ची लगी, ऐसा लगा नहीं यार बस अभी हो गया। और, कोल्ड और एक बात ये है कि गाइस ये देखो, ये अपना टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पर देख सकते हो, ये अपना चैनल है महेश चव्हाण टाटू। तो अभी यहाँ पे वैसे 11,700 लोगों ने सब्सक्राइब किया। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी वीडियोज आती है जो मैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर सकता, तो ऐसे भी वीडियोज है जो यहाँ पे मैं अपलोड कर सकता हूँ और आपको यहाँ पे हमें अपने प्राइवेट टाटूज भी दिखा सकता हूँ गाइस। सो प्लीज गाइज, मैंने टेलीग्राम चैनल वैसे ओपन किया है, तो जाओ फटाफट और टेलीग्राम पे मुझे फटाफट ज्वाइन करो, मेरे चैनल को ज्वाइन करो। यहाँ पे वैसे स्कैनर कोड है, ये देखो, ये स्कैन यहाँ से भी कर सकते हो। और सेकंड स्कैन नहीं हो रहा है तो लिंक यहाँ पे मैंने वैसे दी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन भी किया है कमेंट में ये लिंक, तो वहां से भी आप डबल टिबल चौबल क्लिक करो पर ज्वाइन करो और जगह पे फटाफट 50,000 के ऊपर यहाँ पे सब्सक्राइबर होने चाहिए गाइस। थोड़ा साइको भी है, थोड़ा पागल भी है, थोड़ा अच्छे भी है, थोड़ा बतना भी, थोड़ा मैच्योर भी है, थोड़ा सब कुछ है। थोड़ा ही है, पूरा क्यों नहीं? थोड़ा थोड़ा भी है। अरे चीज मतलब पूरा पैकेज है क्या? थोड़ा थोड़ा क्यों रखते हैं? मतलब ऐसा देखिए, ज्यादा पागल बनने में वो भी अच्छा नहीं है, ज्यादा मैच्योरिटी करेंगे वो भी अच्छा नहीं है। ओके, और ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो के नीचे कमेंट्स करेंगे, गाड़ा अच्छे कमेंट तो करेंगे, आपको देख के ऐसा लगेगा। देखिए क्या है ना कि बुरे कमेंट करने वालों को क्या बोलेंगे, लोगों को काम है कमेंट्स करना, वो अच्छे भी करते हैं बुरे भी करते हैं। बुरे लोगों के लिए बताओ, अगर वो अच्छे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बुरे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ तो बताओ बुरे लोगों के लिए, सबको यही कि सब खुश रहे, सब आबाद रहे, परिवार परिवार रहे, गर्लफ्रेंड रहे, फूले फले का क्या होते हैं फले का कुत्ता पाले, कुत्ता पाले, कुत्ता पाले, पूतो पूतो। ओके ओके, इन्होंने लिखा है यहाँ पे स्टे स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये खुद ही रो देती है पता नहीं कैसे। इंसान हर एक सिचुएशन पे होता है, पर इमोशनल वो ना हर जगह नहीं होता, वो कभी कभार ही चीजें निकलती है, और निकलती है तो अच्छे तरीके से निकलेगा। मुझे लग रहा है नेक्स्ट इसका एक यूट्यूब चैनल आएगा जिसपे ये बस ज्ञान बांटेंगे, सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन। तो गाइस फाइनली मैम का लड्डू कंप्लीट हो चुका है, सो मैम एक बार देख लो तो आईने में। हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा। हैप्पी? और कमर वाला? ओके अच्छा लगा? बहुत अच्छा। ब्लड आ रहा है ना इसकी वजह से, वो ब्लड है। चलो कोई नहीं, यू हैप्पी ना? पर आके वसूल हुआ ना? अरे वाह, स्माइल देखो। सो मैम अभी जा रही है, कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, या मुंबई? नहीं अभी मुंबई नहीं है, कल सुबह निकलेंगे। कल सुबह निकलेंगे, वाह भाई, फिर परसों पहुंचेंगे है ना? परसों परसों पहुंचेंगे, मिलते हैं। ध्यान रखना अपने टाटू का, टाटू वगैरह अच्छे से बता दूंगा मैं थोड़ी देर बाद। फिलहाल क्या देखिए, क्या देखिए? ओके टाटू का वो तो मैं बता दूंगा, प्रिकॉशंस बेसिक प्रिकॉशंस है वो तो मैं, वो डॉक्टर बता देगी, लेडीज के लिए स्पेशल बता देगी क्या क्या है ना रिक्वायरमेंट्स। सो कुछ नहीं, सो मिलते हैं मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे, ऐसी इमोशनल बिल्कुल मत रहना, हैप्पी रहना, खुश रहना, हंसमुख हो, ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट टू योर फ्यूचर, ठीक है? और ये अपना कैमरा है, कपड़े पहन लिए भाई ने भी, और बुरा मत मानना, इज्जत से, इज्जत से। चलो बाय 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 बाय, अभी डायरेक्ट यहाँ से फटाफट घर जाते, भूख लगी है बहुत ज्यादा, यही आज शॉप बंद कर देगा नाना, हम लोग कल